नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों से बोल दूँगी। जो लोग बार बार कमेंट करते हैं, मैम आप अपना नंबर दीजिए, नंबर दीजिए, तो मैं नंबर ऐसे किसी को अपना नहीं देती हूँ। आप लोगों को कोई भी बात करनी हो, कोई भी चर्चा करनी हो, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे कीजिए, मेल आईडी पे कीजिए, और कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो मेल आईडी पे ज़रूर कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम ना हो तो मेल आईडी पे मैसेज मत कीजिएगा। और आज की वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे बहुत सारे मेल आए थे और मैंने उन मेल को जो है पढ़ा भी था और कमेंट बॉक्स में कमेंट को भी पढ़ा था। तो जो लोग मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ और आप लोगों के लिए इसी तरह मोटिवेशन वीडियो लाती रहूँ। और तो महिलाओं के लिए जो है आप ज़्यादातर वीडियो लाती हैं, हम पुरुषों के लिए जो है वीडियो नहीं लाती हैं। तो आज मैं कुछ लोगों के जो है बहुत प्यारे प्यारे जो हैं कमेंट भी पढ़ने वाली हूँ और मेल भी पढ़ने वाली हूँ। तो आप लोग भी देखिएगा कैसे मुझे मेल आते हैं, कैसे कैसे कमेंट आते हैं, और उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं क्या सोचती हूँ ओरल सेक्स के बारे में आप बताओ। जैसे ओरल सेक्स जो है ये जो शादीशुदा जो है जेंट्स नहीं होते हैं उन्हीं के लिए अच्छा है, और जो लोग शादीशुदा होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मैं इतनी फ्रैंक होकर बातें क्यों करती हूँ कि मेरा नेचर स्वभाव ऐसा है, मैं किसी से शर्माती नहीं। अगर मन में आपके जो है कोई क्या कहते हैं चोर नहीं है ना, तो इंसान को डरना नहीं चाहिए, ना ही घबराना चाहिए, ना ही शर्माना चाहिए। तो दूसरा मेकअप में पढ़ूंगी। भाभी जी, क्या आपको मन नहीं करता है कि आप फिल्मों में काम करें? नहीं, और मेरा मन तो मैं नहीं किया कि कभी मैं फिल्मों में काम करूंगी, और अगर ऑफ़र आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि फिल्मों के मुझे ऑफ़र आते हैं कि नहीं आते हैं। और वैसे मैं बता दूं, मुझे 3-4 बार जो है मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे ऐसे जो है मेल आ चुके हैं कि आप सीरियल में काम करने की इच्छुक हैं। मैंने तुरंत मना कर दिया था क्योंकि मैं वहाँ पर उतना टाइम दे नहीं पाऊँगी, और पहले मेरी फैमिली ज़रूरी है, उसके बाद मेरा यूट्यूब आता है। तो शायद आप लोग के आपका क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा। और दूसरा जो है मैं पढ़ती हूँ, रोज़ संबंध बनाने की इच्छा होती है, अगर आप लोग हैप्पी रहते हो और मूड बन जाता है बाय द वे, तो रोज़ आप लोग बना सकते हो। रोज़ संबंध बनाने की इच्छा करने के लिए सोचना नहीं चाहिए, जब मूड हो आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई बाउंडेशन है और आप कब बनाओगे कब नहीं बनाओगे इस पर मतलब रिसर्च करना है, कुछ भी नहीं। बस प्यार होना चाहिए आपस में जो है, अच्छा जो है तालमेल होना चाहिए पति पत्नी में, तो अब बना सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते हो। और दूसरा जो है क्वेश्चन है, हम दोनों डेली प्यार से संबंध बनाते हैं, एज 65 ईयर। ये तो बहुत अच्छी बात है, और उतनी एज की तो होते होते पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँगी कि नहीं रहूँगी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई आपने आप जो है इतने एज के होते हुए मेरी वीडियो को देखते हो, मुझे पसंद करते हो, और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा अपना कि मैं इसी तरह आप लोग के लिए मोटिवेट वीडियो लाती रहूँ। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा। और एक लोग ने मतलब मुझे मैसेज किया है, जितना करो कम है, ये तो सही बात है, जितना करो कम है, क्योंकि इसका कोई जो है लिमिट नहीं होता है, कितना करोगे कितना नहीं करोगे कोई लिमिट नहीं होता है। ये तो ऐसे होता है जैसे जो है समुद्र में लहरें होती हैं उस तरीके का, उनका कोई मतलब लिमिट नहीं होता है कितनी बार आएंगी कितनी बार जाएंगी, उसी तरह ये भी होता है, इसका भी कोई लिमिट नहीं होता है कितना करोगे कितना नहीं करोगे। ये आप पे डिपेंड करता है आपका मूड कितनी बार बनता है, बस बशर्ते ये होना चाहिए कि जो आपका पार्टनर है उसको नक पेन ना हो, दर्द ना हो, और वो डरे ना घबराए ना आपसे कि बार बार जो है इनकी जो है इच्छा होती है। तो आप बात करें, तालमेल अच्छा है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तालमेल अच्छा नहीं है, सहमत नहीं है आपकी पार्टनर, तो जब उनका मूड करे तब आप करो, तभी सही है। और
भगवान ने ओरिजिनल सुंदरता बहाल की है। आपका बोलने का तरीका बहुत स्वीट है। लव यू, गुड गुड ब्लेस यू चंद्रकांत। इसका ये मतलब इन्होंने मुझे कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। हाँ सच्ची है कि भगवान ने मुझे वो सुंदरता प्रदान की है कि मतलब नेचुरली मैं अपने आप को अच्छा मानती हूँ और मैं अपने आप में खुश भी रहती हूँ, संतुष्ट भी रहती हूँ। ना ही मुझे किसी मेकअप की, ना ही किसी और चीज़ की। अभी भी मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाया और कुछ भी नहीं किया है। और क्योंकि मैं सादगी जो है विश्वास रखती हूँ, मुझे सादा सिंपल स्वभाव अपना मुझे पसंद है। और इसी स्वभाव की वजह से मुझे इतने सारे मुझे फ्रेंड मिले, इतने सारे व्यूवर्स मिले जो मेरी सादगी पे मरते हैं। कहा गया है ना, हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। तो सादगी पे मरते हैं कुछ लोग और कुछ लोग बनावटीपन पे मरते हैं। तो मुझे बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो जैसा है वैसा दिखे उसी में खुश रहना चाहिए। तो इनका क्वेश्चन नाम क्या है, रजत तलसरा। अपने फीमेल और मेल के लिए क्वेश्चन का जवाब देने में या औरत कोई शर्म है, और पेंस और विजाइना के बारे में ओपनली वो नागवंशी फैमिली की टप की। मतलब ये बोल रहे हैं कि किसी भी मतलब क्वेश्चन का जवाब देने में औरत हो या मर्द हो शर्म नहीं आनी चाहिए। ये भी हमारे शरीर का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, और इसका जवाब देने में किसी को हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपको किसी भी चीज़ से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर आप गलत हो तभी आप डरो, नहीं तो मत डरो। थैंक यू नागवंशी फैमिली की इतनी तारीफ करने के लिए। और रुक जाइए, आपको देखकर यकीन नहीं है कि कोई पत्नी इतनी समझदार, सुंदर, सुशील, गुणवान, सहज, सौम्य हो सकती है। थैंक यू इतनी तारीफ करने के लिए। कमेंट किया है वासु गुरवानी ने, थैंक यू जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतनी मतलब सुंदर हूँ, गुणवान हूँ और हर चीज़ का रिप्लाई मैं कर देती हूँ। सबके अंदर ये हुनर होता है, हर औरत के अंदर होता है। कोई अपना हुनर जो है दबा लेता है, कोई अपना हुनर जो है छिपा लेता है कि मुझे नहीं करना। और हमारा भारत जो है पुरुष प्रधान जो है समाज है, तो यहाँ पे जो है औरतें जो है इस विषय पे बातें करने से बहुत ज़्यादा कतराती हैं। और पुरुषों के लिए सेक्स का उम्र कब तक है, उस पर एक वीडियो बनाएं। देखिए संबंध बनाने की कोई एज नहीं होती है, कब तक आप बनाओगे कब तक नहीं। अभी मैंने जो है बीच में कमेंट जो पढ़ा था, तो उन्होंने वो 65 इयर्स ओल्ड थे फिर भी वो लोग रोज जो है सेक्सुअल होते थे। तो सेक्स की कोई एज नहीं होती है, संबंध बनाने की कोई एज नहीं होती है। लेकिन आपका मन जवान होना चाहिए, इसके लिए आपका मन जवान होना चाहिए। आपको जो है अपना और अपने शरीर का भरपूर ध्यान रखना चाहिए और जितना हो सके अपने आप को खुश रखना चाहिए, ताकि जितना ही आप खुश रहोगे ना उतना ही आपको आपके लिए अच्छा होगा, आपका मूड बनेगा। मैंने वीडियो बीच में कट किया क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है आगे से बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो इसलिए जो है मैंने वीडियो जो है बीच में कट किया था। अभी सामने बैठे हैं तो चिढ़ाते हैं, मुझे परेशान करते हैं, छेड़ते हैं मुझे। और माँ लाल इन्होंने जो है क्वेश्चन किया है कि कैसे पता चलेगा कि हमारी पत्नी डिस्चार्ज हो जाती है। वो अपने आप पता चल जाता है कि वो डिस्चार्ज हो गई हैं कि नहीं। अगर दोनों एक साथ डिस्चार्ज होते हैं तो दोनों को एक अलग सी खुशी मिलती है और बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। और आप उनसे खुद डायरेक्टली पूछ सकते हो कि डिस्चार्ज हो चुकी हो कि नहीं। और अगर साथ में आप लोग डिस्चार्ज होते हो तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि साथ में जो लोग डिस्चार्ज होते हैं और एक साथ, तो वो ये होता है कि दोनों को वो खुशी मतलब एक साथ मिलती है, तो फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है और
उस फीलिंग को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, कैसी फीलिंग होती है, कैसी खुशी होती है, क्योंकि ये खुशी जो है बताई नहीं जा सकती, इसका कोई जो है लिमिट नहीं होता है, और पूरी जो है शरीर की थकान मिट जाती है, और अंदरूनी जो मतलब हमको थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ी चिड़चिड़ाहट होती है, सब कुछ उस समय हम लोग भूल जाते हैं, होश नहीं रहता है, जोश में होश खो देते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वेब वाइफ का मन नहीं करता है और इसके लिए हम क्या करें, और वो इतनी देर में तैयार क्यों होती हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, और कभी कभी ये होता है ना, जैसे लेडीजें होती हैं घर का काम करती हैं, सारा काम करती हैं लेडीजें घर का, तो कभी कभी वो होता है कि काम में जो है इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि जो है उनको उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता है। जबकि सेम अगर सोचा जाए ना, तो जैसे हमारे हस्बैंड होते हैं तो उनको उतनी घर की जिम्मेदारी नहीं होती है और बाहर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो जब बाहर से आते हैं तो एकदम फ्री दिमाग से आते हैं और घर में कुछ और ही उनके दिमाग में चलने लगता है। तो औरतों के दिमाग में ऐसा नहीं चलता है, कभी कभी चलता है लेकिन हमेशा नहीं चलता है। तो यही होता है कि जब मैं मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को मतलब मूड हुआ और मैं किसी काम में बिजी हूँ, तो उस समय मेरा मूड नहीं हुआ, तो उनको तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे आपका लेवल इतना है, आपका मूड है, और मेरा लेवल जो है नहीं बना, तो मेरा लेवल तो नीचे ही रहेगा ना, डाउन रहेगा, आपका अब ऊपर रहेगा, मेरा नीचे रहेगा। तो तैयार करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बिना तैयार हुए आप लोग जो है संबंध ना बनाए, इससे ये होता है कि एक जो है संतुष्ट हो जाता है, दूसरा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो इससे यही होता है कि जो है फिर धीरे धीरे इच्छा जो है मरने लगती है, और वो फीलिंग नहीं आती है जो फीलिंग हम जो है प्राप्त करना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं, वो फीलिंग नहीं आती। अगर दोनों साथ में तैयार नहीं हैं तो आपको वो फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। मुझे लगता है आपके क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेल भी मुझे कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है मैं मैसेज रीड नहीं करती, मैं सबके मैसेज रीड करती हूँ, बस कभी कभी होता है ना नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा, और कैसी नहीं लगी मैं कमेंट बॉक्स में सबके कमेंट पढ़ती हूँ। तो रिक्वेस्ट है मेरा उन लोगों से जो लोग मुझे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि आप लोग के पास और कोई टाइम मतलब काम नहीं है, गंदे कसंदे कमेंट ही करने आते हो। अगर मैं कोई बात किसी विषय पे चर्चा कर रही हूँ तो मेरे व्यूवर्स देखना चाहते हैं तब मैं कर रही हूँ, आपको नहीं देखना तो आप मत आइए, मत कमेंट किया कीजिए। आप भी तो उसी में से एक हो, आप भी तो देखने ही आते हो, अगर आपको देखना नहीं है तो आया मत करो, मैंने बुलाया तो है नहीं आपको। तो ऐसे क्वेश्चन करो जिसके विषय पे मैं वीडियो बना सकूं, और आप लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करो, उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, उसका हल निकालेंगे, ना कि ऐसे जो है कमेंट आप लोग करो कि जिसका कोई जो है तोड़ मरोड़ ही नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं। तो ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, और ऐसे लोगों से जो मुझे नफरत होती है, जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता ना, वही बैड कमेंट करने आते हैं, वही बैड कमेंट करने आते हैं, जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है फालतू का दिमाग होता है, और जिनके पास काम धाम होता है फालतू का दिमाग नहीं होता है, वही लोग अच्छे कमेंट करते हैं। मैंने इतना तो बहुत अच्छे से पहचान लिया है, और मैं बैड कमेंट करने वालों से बिल्कुल नहीं डरती हूँ, ना घबराती हूँ, ना मेरा मूड ऑफ होता, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मुझे पसंद करने वाले अगर 95% हैं तो 5% मुझसे नफरत करने वाले भी होंगे, मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। तो जो जलता है नफरत करता है, और नफरत करा करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाथी तो अपनी चाल जो है चलता जाएगा, और आप क्या करोगे, बैड कमेंट करोगे, करो कितना करते हो भाई। आप लोग गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, हर विषय पे वीडियो बनती हैं, तो मेरी वीडियो बनाने से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है आप लोगों को। जो लोग बैड कमेंट करते हैं मैं उनको बोल रही हूँ, अच्छे कमेंट करो, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ी अच्छी फीलिंग आए। तो चलिए इसी पे वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी।